In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hope all of you are good. Students, today we are going to start class 9, English. Unit 1, the savior of mankind. Insaniyat ko bachane wala. Okay? And from the paragraph number 5. In the last video, on Thursday, I'll teach you from paragraph number 1 to 4. Let's start from paragraph number 5 now. The period of waiting, intizar ki ghadiyan, had come to a close. Khatam hone ko thi. Intizar ki ghadiyan khatam hui. His heart was overflowing. Aapka dil bhara hua tha. Profound bepana, compassion, shafkat for humanity, insaniyat ke liye. आपका दिल इंसानियत के लिए बेपना शफ़क़त से भरा हुआ था. ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, ही हैड वो रखते थे प्रेसिंग शदीद अर्ज, ख्वाहिश टू इरेडिकेट ख़त्म करने की रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद, सोशल इवल्स, मुआशरती बुराइयों को, क्रुएल्टी जुल्म एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी. अब गलत अकायद, मुआशरती बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की शदीद ख्वाहिश रखते थे. The moment had arrived, वो लम्हा आ पहुँचा. When he was to be pastored, जब आपको अता हुई. With नबूवत, वो घड़ी आन पहुँची जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा गया. One day, एक दिन, when he was, जब आप थे, in a cave of Hira, गारे हिरा में, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम came and conveyed पहुँचाया to him, आपको, the following message, दरअसल पैगाम, of Allah Almighty, Allah Ta'ala ka. Ek roz jab aap gare hira mein the, Hazrat Jibrail alaihi salam aaye aur aap tak Allah Ta'ala ka darzeel paigham pahunchaya. Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ikra wa rabbukal akram, alladhi allama bil kalam, allamal insana ma lam ya'lam. Read in the name of the Lord, पर अपने रब के नाम से, who जिसने created पैदा किया man इंसान को, from a clot लोथड़े से, of खंजील्स जमे हुए, blood खून के, पर अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से, यानी कि जमे हुए खून से पैदा किया. Read पर, and the Lord तुम्हारा रब इस है, मोस्ट बाउंटीफुल बहुत करीम, बहुत करीम, और तेरा रब इंतहाई करीम है. हु जिसने टॉर्च सिखाया, द यूज़ ऑफ द पेन कलम का इस्तेमाल, टॉर्च सिखाया मैन इंसान को, दैट जो विच ही जो कि ही न्यू नॉट जो वो नहीं जानता था. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6, द रेवलेशन नज़ूल वही ऑफ द डिवाइन वही अल वही मैसेज, यानी कि अल्लाह ताला का पैगाम, डिवाइन मैसेज अल्लाह का पैगाम, विच कंटिन्यूड जो जारी रहा, फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स जो अगले 23 सालों तक जारी रहा, हैड बिगन शुरू हो चुका था. अल्लाह ताला की वही का पैगाम जो अगले 23 सालों तक जारी रहा शुरू हो चुका था. And the Rasul sallallahu alayhi wa sallam had arisen, ut khade huye, to proclaim, alan karne, oneness, wahdaniyat ka, of Allah, Allah ta'ala ki, yani ki tohid ka, and the unity or ithaat of mankind, insaniyat ki. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala ki wahdaniyat aur ithaat insaniyat ka, alan karne ke liye, ut khade huye the. His, unka mission, maksad, was tha, to destroy, मिटा डालना, द नेक्सस महवर को, ऑफ के द सुपरस्टिशन तोहम प्रस्ती, इग्नोरेंस जहालत एंड डिसबिलीव और कुफर, सेटअप कायम करना अ नोबल आला कॉन्सेप्शन तसव्वुर ऑफ लाइफ जिंदगी का, एंड लीड और रहनुमाई करना मैनकाइंड इंसानियत की, टू द लाइट रोशनी की तरफ, ऑफ फेथ ईमान के, एंड और डिवाइन ब्लिस और नेमत खुदाबंदी. आपका मकसद तो हम जहालत कुफर के महवर को मिटा डालना, ज़िंदगी के आला तसव्वुर को कायम करना और इंसानियत को रूहानी
ईमान से और नूरे इंसान को रूहानी सरवर और नूरे ईमानी से रोशनास कराना था। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 7। सिंस द बिलीव्स, चूँकि ये अकीदा, सिंस चूँकि दिस बिलीफ, ये अकीदा वॉज था थ्रेटनिंग, ख़तरा बन रहा था, देयर उनके यानी कि कुफार के डोमिनेंस, गलबे को, गलबे पर या गलबे के लिए इन द सोसाइटी, मुआशरे में, चूँकि ये अकीदा मुआशरे में अरब कुफार के गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था, द पेगन काफिर अरब्स, अरब स्टार्टेड, शुरू कर दिया टू माउंट बढ़ाना, प्रेशर, दबाव ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चूँकि ये अकीदा मुआशरे में अरब कुफार के गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था, इसलिए उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पर दबाव डालना शुरू कर दिया। दे वॉन्टिड, वो चाहते थे, देम उनसे, टू रिनाउंस, छोड़ दें, रिनाउंस छोड़ दें, देयर कॉज, अपना मकसद, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुत परस्ती को इख्तियार कर लें। वो चाहते थे कि वो अपने मकसद को, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, अपने मकसद को तरक कर दें और बुतों की पूजा इख्तियार कर लें। दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफ्द भेजा, टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काइंड एंड केयरिंग, मेहरबान और शफीक अंकल, चचा अबू तालिब के पास। उन्होंने एक मौके पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वक्त भेजा। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उनसे कहा, टू रिस्ट्रेन, रोकना, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम से प्रीचिंग तबलीग, अल्लाह अलमाइटी मैसेज, अल्लाह के पैगाम का, पैगाम से, और फेस या सामना करें, देयर एनिमिटी, उनकी दुश्मनी का। उन्होंने उसे बताया कि वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से रोकें या उनकी दुश्मनी मोल लें। ही सेंट, उन्होंने भेजा, सेंट फॉर, बुला भेजा यानी कि पैगाम भेजा, हिज नेफ्यू, अपने भतीजे को, एंड एक्सप्लेन्ड, और आगाह किया, टू हिम, उनको, सिचुएशन, सूरत हाल के बारे में। उन्होंने यानी कि आपके चचा ने आपको बुलाने भेजा या बुला भेजा और आपको सूरत हाल से आगाह किया। फाइंडिंग, पाते हुए, हिमसेल्फ, खुद को, इन्ना जलीमा, मुश्किल में, ही सेंट फॉर, उन्होंने बुला भेजा, हिज नेफ्यू, अपने भतीजे को, एंड और एक्सप्लेन्ड, और वजाहत की, टू हिम, उनको, द सिचुएशन, सूरत हाल की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पोंडेड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, विद से दिस मेमोरेबल वर्ड्स, इन यादगार अल्फाज के साथ, माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़, अगर, दे पुट, अगर वो रखते हैं, द सन, सूरज, इन माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ पर, एंड द मून, और चांद, इन माई लेफ्ट, मेरे बाएं पर, इवन देन, तब भी, आई शैल नॉट, मैं नहीं करूँगा, अबंजन तर्क, द प्रोक्लेमेशन, दावा, टू द वननेस, वहदानियत का, ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की यानी कि तौहीद की, मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं पर चांद भी रख दें, अल्लाह की वहदानियत के दावे से मैं दस्तबरदार नहीं होऊंगा। आई शैल सेट अप, मैं कायम करूंगा, द ट्रू फेथ, सच्चा दीन, अपॉन द अर्थ, ज़मीन पर, और या पैरिश, या जान दे दूंगा, इन द अटैम्प्ट, कोशिश में, मैं ज़मीन पर सच्चा दीन कायम करके रहूँगा, फिर इस कोशिश में अपनी जान दे दूँगा। पैराग्राफ नंबर 8। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वो थे सो इम्प्रेस, बहुत मुतासिर हुए, विद हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन, अपने भतीजे के पुख्ता आज़म से, एंड ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो धी, अपने जाओ धी अपनी वे रास्ते पर, नन विल डेयर, किसी की जुरत नहीं, टच हुए दी तुम्हें, आई शैल नेवर फोरसेक, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा दी आपको, मेरे भाई के बेटे, अपनी राह पर चलते रहो, किसी में दम नहीं कि तुम्हें छुए,
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन सिक्स इज फ्रॉम द पैराग्राफ, वी जस्ट रेड द ट्रांसलेशन, व्हाट वाज द मिशन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मिशन था? आंसर, ही वांटेड टू फिनिश, वो ख़त्म करना चाहते थे सुपरस्टिशंस, तोहमात, इग्नोरेंस, जहालत एंड डिसबिलीव और कुफर को। ही वांटेड टू सेट अप अ नोबल आइडिया ऑफ लाइफ, वो आप ज़िंदगी का आला तसव्वुर कायम करना चाहते थे। ही वांटेड पीपल टू हैव ट्रू फेथ, आप चाहते थे कि लोग सच्चा अकीदा अपना लें। क्वेश्चन सेवन, व्हाई डिड द पेगन अरब सेंड अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स अंकल। कुफार, अरब कुफार ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की तरफ क्यों वक्त भेजा? द पेगन अरब सेंड अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स अंकल। पेगन अरब्स, अरब कुफारे अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की तरफ डेलीगेशन भेजा, वफद भेजा। दे रिक्वेस्टेड, उन्होंने इल्तिजा की हिम उनसे, टू स्टॉप हिज नेफ्यू, को अपने भतीजे को रोकें फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह मैसेज, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द कॉम्प्रीहेंशन एट द एंड ऑफ द लेसन, फॉर विच अबिलिटी, किस फॉर विच अबिलिटी, किस काबिलियत की वजह से या किस काबिलियत से वर थे अरब्स फेमस, अरब किस काबिलियत की बदौलत मशहूर थे। द अरब्स वर फेमस फॉर देयर गुड मेमोरी एंड एलोक्वेंस, अरब अपने हाफ़से और बलागत के सबब मशहूर थे। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इंसानियत की क्या हालत थी। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ह्यूमन रेस वॉज स्टैंडिंग ऑन द वर्ज ऑफ खाउस बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले या आमद से पहले। क्वेश्चन 10, व्हाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन द केव ऑफ हिरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों गारे हिरा में ठहरते। आंसर, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू स्टे इन द केव ऑफ हिरा फॉर मेडिटेशन एंड द वर्शिप ऑफ अल्लाह। सॉरी, एच इज मिसिंग हियर, AAH, द करेक्ट स्पेलिंग इज, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर फिक्र और अल्लाह की इबादत के लिए या मराकबे और अल्लाह की इबादत के लिए गारे हिरा में ठहरते थे। ओके, नेक्स्ट वन इज योर होमवर्क फॉर टुडे, यू हैव टू प्रिपेयर द टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 1 to 8, वी डन इन द इन टू वीडियोज, द ट्रांसलेशन फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1 to 8 एंड द क्वेश्चन आंसर्स 1 to 8। ओके, दैट विल बी योर टेस्ट फॉर Saturday. Okay, goodbye. Have a nice day.